समाजवादी पार्टी ने बजट पर साधा निशाना, कहा यूपी को इस बजट में अछूता रखा गया। इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने बजट को लेकर प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी को इस बजट में अछूता रखा गया है, जबकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसके बावजूद भी इतना कम बजट दिया गया है। वहीं अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान को लेकर उन्होंने दावा किया कि उन्हें खुद को शूद्र बोलने में क्या फर्क पड़ता है। एक साल में जो बजट आता है, बजट का बहुत महत्व होता है। पूरे साल आदमी इंतजार करता है कि जो बजट हमारे देश में आएगा वो कैसा होगा। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है, चाहे चुनाव का घोषणा पत्र हो जिसमें सारी बातें सारी वादे लिखने पड़ते हैं, और दुनिया में जो सरकारें बनती हैं वो घोषणा पत्र देख के बनती हैं, क्योंकि वहाँ पूरे होते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि घोषणा पत्र अगर आप पिछले 9 साल का पढ़ें तो कोई वादा आपको पूरा होता नजर नहीं। मैं 100 बातें गिना सकता हूँ। उसी तरह बजट में, तो बजट में जो बातें आती हैं वो बातें भ्रामक होती हैं और एक तरह से मतलब कलाकारियां होती है, बाजीगरी होती है जो प्रधानमंत्री की, और ये प्रधानमंत्री विश्व बाजीगर हैं, तो उनकी बाजीगरी से लोग मतलब समझ नहीं पा रहे बजट का किया है। मैंने कल उनका भाषण सुना था, करीब दिन में 2 बजे आया, अगर आपने सुना हो तो समझ में कुछ भी नहीं आया कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। ना उन्होंने देश के गरीब का नाम लिया, ना उन्होंने देश के किसी किसान का नाम लिया, ना उन्होंने रोजगार का नाम लिया, ना महिलाओं का नाम लिया, या देश में होने वाले दुष्कर्म नाम नहीं लिया। 5 लाख एक्सीडेंट देश में होते हैं जिसमें 3 लाख लोग साल में मरते हैं, ना उसका नाम लिया। जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उसके निराकरण के लिए ही तो ये बजट आता है। तो पूरे बजट में ये दुर्भाग्य हमारे इस देश का है, किसान का नाम नहीं आया, गरीब का नाम नहीं आया, किसान को कोई मोहलत देंगे उसका नाम नहीं आया, खाद की कीमत कम करेंगे उसका नाम नहीं आया, किसानों के लिए कुछ बीमा बढ़ाएंगे उसका नाम नहीं आया, जो हमारा मजदूर है जिसकी दिहाड़ी बहुत कम है उसका नाम नहीं आया, और देश में जो लगातार असमानता बढ़ती जा रही है। लोहिया जी कहा करते, संसद में कहा करते थे नेहरू जी से, दहाड़ के कहते थे कि जिस दिन देश में 100 रुपया और 10 का फैसला से ज्यादा फासला बढ़ जाएगा तो देश में गरीबी बढ़ेगी। हमारे यहां बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया है। आज देश का जो आम आदमी है, आम मजदूर, उसकी आमदनी सबसे कम वाले की 180 एक परिवार की है। ये लिखित पढ़ आंकड़े हैं, ये जो देश में 40 करोड़ आदमी, 180 पर डे में 8 आदमी 12 आदमी जितने परिवार वो खा पी रहे हैं, और एक तरफ 1600 करोड़ रुपए पर डे की आमदनी है अडानी की। तो कितना बड़ा फासला हो चुका बड़े में छोटे में। मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूं कि अपने देश की हालत यारो, लगती बड़ी निराली है, कहीं कहीं पर घोर अंधेरा, कहीं पर रोज दिवाली है, कहीं पर रोज दिवाली है, लेकिन गांव में गरीब घर में हमेशा अंधेरा है। अंधेरे का इंतजाम नहीं किया गया है, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं किया गया है। पूरी तरह देश में किसान, मजदूर, बेरोजगार, महिलाओं के लिए कोई उनके उत्थान की बातें नहीं की गई है। और एक सबसे जो मुझे लगा कि उच्च मध्य वर्ग के लिए जो 7 लाख हमने स्लैब किया है टैक्स का, केवल चर्चा उसकी हो रही है, उससे सोचने के बाद कितनों को फायदा होगा। उच्च मध्य वर्गीय में बहुत ज्यादा लोग नहीं आते, पूरे देश में हमारे 3% अर्थव्यवस्था से मिलता है इनकम टैक्स, तो 3% मिलता है इनकम टैक्स से, उसकी चर्चा सारे चैनलों पर हुई, उसकी चर्चा सब सरकार कर रही है, उससे कितना फायदा होना है। 3% इकोनॉमी आती है केवल इनकम टैक्स से, 97% जो और स्रोत है कोई उन पर चर्चा भी नहीं हुई है, जबकि परेशानी में कौन है, गरीब है, अति गरीब है और निम्न मध्यवर्गीय, उसके लिए कोई काम ऐसा नहीं किया गया जिससे उसे लाभ पहुंचता। लेकिन सरकार तो कह रही है सारे वर्गों का, किसान हो चाहे युवा हो और चाहे कोई भी वर्ग, तो सबका ध्यान रखा गया बजट में। ये भाजपा नेता से पूछना चाहते हैं, आप बताइए धरातल में इतने एक शब्द दिया है संकल्प, संकल्प कब करता आदमी, जब गद्दी पे बैठता है तभी संकल्प करता है। 9 साल के बाद संकल्प का मतलब क्या है? आपने जो संकल्प किया था लाल किले पर, आपने भाषण दिया था, क्या वो संकल्प पूरा आपको 9 साल में किया? कितनी बातें हैं जो आपको गिना दें हम, 20 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, 2 करोड़ नहीं पहुंचे अभी तक 9 साल में, जो तमाम ऐसी बातें करी जो आज 9 साल पहले ही वो पूरी नहीं हुई, उनका लाल किले का भाषण कोई कभी उन्हें बातें पूरी नहीं कर पाए। अब संकल्प की जरूरत क्या है? संकल्प तो आपने 2014 किया वो पूरा होना चाहिए, 15 किया उसे पूरा होना चाहिए, अब आप फिर संकल्प कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं 25 साल का कि 25 साल बाद। अरे 25 साल नहीं, भूखे आदमी को आज रोटी चाहिए, किसान को आज उसकी फसल की उचित कीमत चाहिए, आज रोजगार चाहिए युवाओं को, पूरे देश में युवा कितना परेशान है,
पूरे देश में दुष्कर्म घटना बढ़ती जा रही है, पुलिस व्यवस्था नहीं है, पुलिस के थाने कम है, पुलिस के कर्मचारी हमारे यहाँ कम है, बैंकों में जाओ तो वहां कर्मचारी कम है। हर आदमी का बैंक से खाता जोड़कर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ज्यादा बैंक खोलेंगे? वो बैंक में जाना कितना दुश्वार हो गया, आप खड़े हुए लाइन लगा के तब आपको पेमेंट मिलेगा, तो बैंक ज्यादा खोलिए आप, आपने हर आदमी को बना दिया है बैंक ये उसका आपका खाता धारक, तो अधिक बैंक नहीं खोल रहे हैं, जबकि कम से कम मैंने हर जिले में 20-20 बड़े बैंक खोलने की घोषणा करनी चाहिए थी, जिससे हमारे जो गरीब और किसान भाई हैं जिन्हें रोज बैंक जाना है उन्हें आराम मिल सके। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल उच्च वर्ग ऐसा लगता नहीं कि ये जो बजट बनता है ये बनाते हैं। मुझे लगता है कि देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनके हाथ में डोरी है और उन्हीं के हिसाब से बजट बनता है, अगर उनके हिसाब से ना बनता तो देश के गरीब, देश के जो बहुत जो निम्न जो अति गरीब है उनके लिए कोई इसमें योजना नहीं है, कोई बड़े उद्योग लगने वाली योजना नहीं है। और खासकर हमारा जो प्रदेश है, मैं ये जानना चाहता हूं कि 2,00,000 करोड़ दिए उन्होंने, दिए हैं कहाँ है पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन बजट के बीच में एक बजट और आ जाता है। आज से 7 महीने पहले सबने पढ़ा, टीवी पर आया था कि 12,00,000 करोड़ रुपए का माफी दी थी उद्योगपतियों को, देश के 100 पता नहीं कितने उद्योगपति थे उनको 12,00,000 करोड़ की माफी दी थी बैंकों से। हम ये जानना चाहते हैं कि वो बजट वाला काम कहां से हो गया, 12,00,000 करोड़ रुपए जिसमें 74,000 करोड़ रुपए केवल अडानी जी के थे, तो ये जो बीच बीच में जब ये करते हैं तो इसकी जरूरत क्या है? हम ये थोड़ी कहते हैं भाई 100 चीजें घोषणा की, एक आध हो सकता है समाज में सार्थक भी साबित हो, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि जो घोषणाएं मोदी जी करते हैं पूरी कभी नहीं करी, चाहे नौकरी की हो किसी बात की घोषणा करते हैं, उनका लाल किले का भाषण मैं तो सुनता हूं हर बार, क्यों मुझे बोलना पड़ता है, तो कभी वो कंप्लायंस नहीं करते, धरातल पर उनकी चीज नहीं आती है, बातों के इतने बड़े बाजीगर हैं वो कि बातों फंसा लेते आदमी समझ नहीं पाता है। कल से जो कल पूरे दिन दिल्ली में वार्ताएं हुई हैं उन वार्ताओं में देश का 80% आदमी समझ ही नहीं पाएगा कि ये उद्देश्य हो क्या है। अच्छा, किसानों के लिए कहा गया कि ऋण में छूट की बात कही है, क्या लगता है कि किसानों का सामने आया बजट के बाद कहना कि आप ऋण की नौबत ही ना आए, किसान का कहना ये रहा है, तो इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ, मेरी समाजवादी पार्टी की मांग है कि बजट से 1 महीने पहले में 2-4 मीटिंगें इन्हें देश के जो किसान संस्था उनके उनके लोगों से बात करनी चाहिए, इन्हें जो महिला संस्था उनके अध्यक्षों से बात करनी चाहिए, तमाम वर्गों के लोगों से बात सुन के उनकी समस्या सुन के और जान के उसके बाद बजट बनाना चाहिए। क्या कभी किसान की हालत देखते क्या हालत है, कभी गाँव जाके देखते हैं? ये केवल बड़े आदमी बैठ जाते हैं, वही डिबेट करते हैं, बड़े आदमी बजट बनाते हैं, गाँव के गरीब की हालत देख लें, महिलाओं की हालत देख लें, स्कूलों की हालत देख लें, तो उनकी हालत देखें पहले नीचे वर्ग की, क्योंकि जरूरत नीचे को ज्यादा है, बड़ा आदमी तो क्योंकि बड़ा देश के अंदर है उसे जरूरत नहीं है, जरूरत किनको है? जरूरत है देश के गरीब वर्ग की, जिनका जीना मुश्किल है, जहाँ बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय की स्थिति वो इतनी खराब है कि आज की तारीख में आप जा नहीं सकते उसमें, तो ये जो बातें होती हैं गाँव में जो बदहालत है उसको निगाह में रख के उसके बाद बजट बनाना चाहिए धरातल पर आके। 80% हमारे यहाँ किसान मजदूर है, उसके हालात को जायजा करें, उसका सर्वेक्षण कराएं, सर्वे कराने के बाद ये तय करें कि बजट हमारा कैसा होना चाहिए। आज सिलेंडर वगैरह और ये पेट्रोलियम पदार्थ की महंगाई दर हर साल बढ़ रही है, इसको लेके इसमें बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया? कोई नहीं, वो तो देखिए पूरे साल चलता है, उन्होंने तो बिल्कुल फ्री कर रखा है, कब 110 कर दें, कब 90 कर दें, पता ही नहीं है, इसलिए कुछ बातें उनके हाथ में नहीं, मैंने आपसे कहा नहीं, ये सरकार प्रधानमंत्री उनके साथी नहीं चला रहे हैं, ये सरकार देश के उद्योगपति चला रहे हो, अगर ये चलाते होते तो प्रदेश में कम से कम 2-4 बड़े उद्योग लग जाते हैं, जब प्रधानमंत्री हमारे यूपी से भी चुने जाते हैं तो कम से कम 10-12 बड़े उद्योग लग जाते हैं, इससे जो पूर्वी इलाका हमारा है और बिहार का जो पश्चिमी इलाका है उसकी तरक्की तब होगी, हम तो बहुत उधर गए हैं, इतनी गरीबी इतनी बदहाली वहां पर है, अगर 10 बड़े प्रोजेक्ट लग जाए उद्योग लग जाए तो वहां की गरीबी दूर हो सकती है, मेरा मानना है। वो इतना ध्यान देते हैं बनारस पे देते हैं, अयोध्या पे दे रहे हैं, अगर इस बात पे ध्यान कर दें कि जितने उद्योगपति हैं वो उद्योग यहाँ लगाएं आके, तो यहाँ का जो गरीब वर्ग जाके नौकरी करता है पूरे देश में परेशान होता है वो नहीं होगा, सम्मान से अपने घर में जिंदगी गुजारेगा, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा। अच्छा, पर्यटन के लिए भी बढ़ावा देने की बात कही है, इटावा भी पर्यटन का बड़ा क्षेत्र है, जैसे कि सफारी अपने यहाँ खुली है और भी कई चीजें हैं, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इटावा इतना बड़ा सेंटर बन सकता है, देखिए सरसी नंबर का जो बैटलैंड है वहाँ की जो वो है, इटावा अपने आप में देखा जाए तो आज की तारीख में पूरे दुनिया में एक मॉडल जिला है। आप चंबल सफारी देखिए, चंबल सफारी में लाखों घड़ियाल हैं, 3 नदियां हमारे बड़ी नदियां हैं, जमुना, चंबल और क्वारी, उनका पूरा तटीय इलाका जो है बिल्कुल सेंचुरी घोषित हो जा चुका है,
लायन सफारी पूरी दुनिया में चर्चित हो गया है। सरसई नावर बताया मैंने आपको, नगला दुली और सरसई नावर, यहाँ पर जो ये झीलें हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय आकार मिल सकता है चाहे तो, लेकिन चाहते नहीं है वो। उनका इटावा के नाम पर तो हमेशा जीरो होता है, माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने जो करा दिया सपा सरकार ने, उसके अलावा इटावा के लिए तो न कभी सोचेंगे और न कभी कोई बात करते हैं।